हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग M2R5 की टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। इस M2R5 की टॉपिक में हमने CSS को कवर किया हुआ। CSS में हमने अभी पिछली प्रॉपर्टी कर्सर की बताई हुई थी। तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो स्पेशली है ओवरफ्लो के ऊपर। ओवरफ्लो का क्या मतलब होगा, जैसे अगर आपने कहीं पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और वह टेक्स्ट आपके बॉक्स के बाहर जा रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का ये कंटेंट। तो स्टूडेंट्स, आज हमको पढ़ना है यही ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। इस ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमको जानना है कि विजिबल क्या होता है, हिडन क्या होता है, स्क्रॉल क्या होता है और ऑटो क्या होता है। तो ये चार प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है। इसी में हम जानेंगे टेक्स्ट ओवरफ्लो के बारे में भी, हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है, इसी टॉपिक में। सबसे पहले आपको अपना सबलाइन ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना सबलाइन ओपन कर ले रहा हूँ। तो ये मेरा सबलाइन ओपन हो चुका है। अब मैं एक कंट्रोल एन से नया पेज ले रहा हूँ और इस पेज को सेव कर दे रहा हूँ। इसको ओवरफ्लो नाम से मैं सेव कर रहा हूँ, overflow.html सेव कर दिया मैंने। इसके बाद मैंने HTML लिख लिया और ये सब जो हमारे जो डेली का रूटीन है, जो डेली के टेक्स्ट लिखने हैं, वो सब मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए। इसके बाद उसकी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टाइटल का, कि ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज। तो ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज हो चुकी है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे मान लीजिए एक हेडिंग हम बना दे रहे हैं और उस हेडिंग को हम जो है अलाइनमेंट लगा करके सेंटर कर दे रहे हैं। अलाइनमेंट सेंटर हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैंने बना दिया इसका हेडिंग कि एग्जाम्पल ऑफ ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज, ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज। तो ये मैंने बना दिया आपका ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हो गई। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे हम सबसे पहले एक डिव लगाएंगे और डिव में हम एक हेडिंग बनाते हैं H1 की या H2 की, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिख लेते हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर लिख लिया। इसके बाद एक पैराग्राफ बनाते हैं और पैराग्राफ में भी कंप्यूटर की कुछ डिफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ डिफिनेशन इसकी लिख ली है। इसके बाद हम डिव को क्लोज कर देंगे। ये हमारा पहला डिव क्लोज हो चुका है। अब इसी में मैं एक क्लास बना दे रहा हूँ इस डिव का और इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ इक्वल लगा करके 1, अर्थात इस डिव का नाम हो गया 1, ये पहली डिव है। उसी तरीके से हमको यहाँ पे 3-4 डिव बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे जो चार प्रॉपर्टी अभी पढ़ाया हूँ, आपको दिखाया हूँ कंटेंट में, उन सभी को हमको यहाँ पे दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे क्लास 2 बना दिया। उसी तरीके से फिर से मैंने यहाँ पे इसका डिव जो ले लिया, इसको 3 बना दिया क्लास। नेक्स्ट एक और यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं और इसको बना देते हैं क्लास 4। ये हो चुका है हमारा। नेक्स्ट एक और यहाँ पे बना देते हैं क्लास 5 के लिए। तो इसका नाम मैंने रख दिया क्लास 5। इसको हम सेव करके अब चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं प्रीव्यू कैसा आता हमारे ब्राउजर पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके की आपकी प्रॉपर्टी शो कर रही है। अब हमको क्या करना है, इसको डिव में अंदर करना है, अर्थात डिव की प्रॉपर्टी वगैरह को हैंडल करना है CSS के माध्यम से। तो यहाँ पे हम एक और कंट्रोल एन से पेज ले रहे हैं और इसको सेव कर दे रहे हैं। तो इसको भी हमने सेव कर दिया overflow.css के नाम से। अब यहाँ पे बॉडी टैग लगा रहे हैं और उसका एक बैकग्राउंड कलर दे दे रहे हैं। तो मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया खाकी, सेव कर रहा हूँ। इसके बाद इस CSS की फाइल को हमको क्या करना होगा, यहाँ पे लिंक करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिंक लगाया और उसका नाम दे दिया overflow.css। ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब चलते हैं अपने ब्राउजर पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो पीछे देखिए हमारा खाकी कलर यहाँ से आ चुका है। अब क्या करना है हमको, डिव को हैंडल करना है। तो डिव को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे चलेंगे, बनाएंगे डिव को ले लेंगे। अब डिव में सबसे पहले मैं उसकी विड्थ रख दे रहा हूँ। तो मैं डिव की विड्थ रख रहा हूँ 120 पिक्सल और उसकी उसी तरीके से हाइट रख दे रहा हूँ। तो मैंने हाइट भी इसकी रख दी है 150 पिक्सल। तो इस तरीके से हम अभी सिर्फ और सिर्फ विड्थ और हाइट रखे हैं। सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो है यहाँ पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से शो कर रहा है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले बॉर्डर लगा देते हैं। तो मैंने बॉर्डर लगाया और बॉर्डर को दे दिया 2 पिक्सल। तो ये मेरा 2 पिक्सल बॉर्डर हो गया, सॉलिड हो गया और बॉर्डर का कलर मैंने रख दिया रेड।
आप फिर से एक बार रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके से आपका प्रॉपर्टी शो कर रही है। अब यहाँ पे हम एक फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज कर ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे फ्लोट लगाया और लगा दिया लेफ्ट। लेफ्ट लगाने के बाद हम थोड़ा सा इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा दे रहे हैं। 400 मैं इसकी विड्थ कर दे रहा हूँ और 500 इसका हाइट कर दे रहा हूँ। सेव करते हैं, सेव करके फिर से एक बार जाते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो इस तरीके से देखिए आपका ये शो कर रहा है। इसमें हम एक और मार्जिन लगा दे रहे हैं, तो मार्जिन मैंने लगाया यहाँ पे, तो मार्जिन हो गई। अब मार्जिन को मैंने दे दिया 40 पिक्सल। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो इस तरीके से हमारा शो कर रहा है। अभी क्या करना है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पे जो हमने विड्थ हाइट दे दिया है 500, इस हाइट को कम कर देते हैं, तो मैंने इसको 400 कर दिया। रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए थोड़ा सा और अभी मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो इसकी जो विड्थ है इसको भी हम 300 ही कर देते हैं और फिर से रिफ्रेश करेंगे, तो इस तरीके से आपका अब शो हो रहा है। थोड़ा सा हाइट हम और कम कर देते हैं जिससे हमारा जो है वो पेज में सेट हो जाए, तो इसको मैंने फिर से रिफ्रेश किया, तो इस तरीके से देखिए हमारा आ रहा है, मैटर शो कर रहा है। पहली डिप, दूसरी डिप, तीसरी और चौथी ऐसे करके आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम नाम भी रख देते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा डिप वन होगा, ये पहला कंप्यूटर है तो ये डिप वन हो गया, ये दूसरा कंप्यूटर है तो ये डिप टू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रख भी दे रहे हैं जिससे हमको ये स्पष्ट पता चल जाएगा कि कौन सी डिप हमारी है। तो यहाँ पे डिप थ्री हो गई, इसको मैंने रख दिया डिप फोर के नाम से, और यहाँ पे मैंने रख दिया डिप फाइव के नाम से, तो ये डिप फाइव हो गई। सेव करते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए डिप वन, डिप टू, डिप थ्री, डिप फोर हो रहा है। अब यहाँ पे हमको काम करना है, तो काम क्या करना है, हमको ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज करनी है अपने सीएसएस में। तो अब हम सीएसएस में जाएंगे और ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे डिप डॉट वन, चूंकि हमारा पहला डिप है तो पहला डिप का मैंने क्लास दिया था वन, तो मैंने इसलिए वन लगा दिया है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले ओवरफ्लो की जो प्रॉपर्टी है वो यूज करनी है। तो मैंने आपको ओवरफ्लो की चार प्रॉपर्टी बताई थी, सबसे पहले है विजिबल। अगर मैं यहाँ से विजिबल कर दे रहा हूँ, तो अब यहाँ से रिफ्रेश जाके करता हूँ, तो अभी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि ये कंटेंट जो भी आपने इसमें लिखा हुआ है वो कंटेंट यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अगर हमको यहाँ से नीचे मार्जिन लगानी हो, तो मार्जिन मैंने लगाया, अब मार्जिन को लगाया तो मैंने बॉटम की मार्जिन लगाया, तो यहाँ पे मैंने मार्जिन लगा दिया 30 पिक्सल। अब अगर हम सेव करते हैं फिर से एक बार और रिफ्रेश करते हैं, तो भी हमारे यहाँ पे डिब में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो विजिबल का क्या मतलब है, इस डिब के बाहर जितने भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आपका दिख रहा है, अर्थात बॉर्डर के बाहर भी जो मैटर आपने लिखा हुआ है वो मैटर यहाँ पे शो करेगा, यानी विजिबल होगा। नेक्स्ट इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे डिब डॉट टू लगाते हैं, डिब डॉट टू लगाने के बाद यहाँ पे मैंने लगाया ओवरफ्लो, और इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है हिडन की, मैंने यहाँ पे हिडन लगा दिया, तो यहाँ पे मैंने हिडन की प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब अगर यहाँ पे जाकर के रिफ्रेश करेंगे आप, तो अब देखिएगा यहाँ पे ये आपका डिब टू है। अब इसमें डिब टू के बाहर जो भी आपका मैटर था वो मैटर अब आपका दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके से क्या किया मैंने, यहां से इस मैटर को मैंने हाइड कर दिया है आपका ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के माध्यम से। तो मैं चाह रहा हूं कि जितना भी मैं इस कंटेंट में लिखूं, इस बॉक्स में लिखूं, उतना ही शो रहे, बाकी कोई शो ना हो, तो इसके लिए हम यहां से उसको हिडन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, इसको तीसरे डिप पे लगाएंगे। तो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी जो है वो है स्क्रॉल की। स्क्रॉल का मतलब क्या होगा कि अगर आप डिप थ्री देखें, तो इस डिप थ्री में कुछ आपके टेक्स्ट ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, इस डिप से बाहर जा रहे हैं। हम चाहते हैं यहीं पे एक स्क्रॉल बटन आ जाए या स्क्रॉल बार आ जाए जिससे हम इस टेक्स्ट को स्क्रॉल कर सके। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और लगाएंगे डिप थ्री। डिप थ्री लगाने के बाद यहाँ पे आपको ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी लगानी है और यहाँ पे आपको लगाना है स्क्रॉल। स्क्रॉल लगाने के बाद यहाँ से हम मार्जिन लगा देंगे कि थोड़ा सा टॉप से हमारी मार्जिन छोड़ करके हमारा दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 80 पिक्सल। सेव करेंगे और यहाँ से फिर से रिफ्रेश करेंगे। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, अब देखिए यहाँ पे जो आपका डिप थ्री था उसके अंदर क्या आ चुका है, एक स्क्रॉल आ चुका है, स्क्रॉल बार। यहाँ से हम स्क्रॉल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट इसकी अगली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है आपका ऑटो का। तो यहाँ पे अगर आप डिप डॉट फोर लगाते हैं, अब यहाँ पे ओवरफ्लो अगर आप लगाएं
और उस ओवरफ्लो में आपने लिख दिया ऑटो। इसके बाद इसमें कुछ हाइट वगैरह भी ऐड कर देते हैं, तो हाइट मैंने ऐड कर दिया 300 पिक्सल। अब यहाँ पे चलते हैं सेव करके और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा क्या हो चुका है, डीप फोर वो ऑटो हो चुका है, अर्थात विड्थ के हिसाब से या हाइट के हिसाब से मैनेज कर लिया है। अगर आप इसमें हाइट कम कर देते, जैसे मान लीजिए मैं इसको 100 पिक्सल कर दिया है और रिफ्रेश करेंगे, तो अब देखिए क्या हुआ, डीप फोर ऑटोमेटिक ले लिया है। जो भी अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी ये स्क्रॉल ले लेगा, आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो स्क्रॉल नहीं लेगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली स्क्रॉल इसने ले लिया है, ऐड कर लिया है। टेक्स्ट हमारे बड़े थे, इस बॉक्स में आ नहीं रहे थे, इसीलिए उसने ऑटोमेटिक ये ऐड कर लिया। लेकिन जैसे ही आपने इसकी हाइट बढ़ा दी और रिफ्रेश करेंगे, तो अब देखिए हाइट बढ़ जाने की वजह से आपका टेक्स्ट कम हो गया, जिससे ये स्क्रॉल नहीं लिया। तो ऑटो का काम ही वही होता है कि जहां पर भी आपकी आवश्यकता होगी तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल ले लेगा, नहीं तो स्क्रॉल नहीं लेगा। नेक्स्ट इसकी अगली जो प्रॉपर्टी है वो आप जो है ओवरफ्लो एक्स और वाई के माध्यम से लगा सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो यहाँ पे ओवरफ्लो आपका दिया गया है स्क्रॉल बार एक्स में भी शो कर रहा है और साथ ही साथ स्क्रॉल बार आपका वाई में भी शो कर रहा है। तो यहां से अगर आपको लगाना है, कुछ हटाना है, तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूं आपके पांचवें वाले डिव में, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा डिव डॉट फाइव। अब यहाँ पे हमको जो प्रॉपर्टी यूज करनी है ओवरफ्लो की, तो ओवरफ्लो एक्स और वाई की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो एक्स यूज किया, इसमें मैंने रख दिया हिडन। इसके बाद फिर से मैंने यूज किया ओवरफ्लो वाई, अब इसमें मैंने रख लिया स्क्रॉल। अब सेव करते हैं, सेव करके जाएंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपका वाई एक्सिस का वाई स्क्रॉल बार यहाँ पे शो कर रहा है, बाकी यहाँ पे एक्स एक्सिस का हट गया है। अगर आप यहाँ ऊपर देखें तो दोनों आ रहा था, और नीचे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं हम लोग टेक्स्ट ओवरफ्लो की। तो इसके लिए हम एक और नया डिप बना ले रहे हैं। यहां से मैं इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूं। अब ये पेस्ट हमारा हो चुका है और इसका नाम मैंने रख दिया सिक्स। तो इस तरीके से ये सिक्स है। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें यहाँ पे, तो ये आपका फाइव दिख रहा है। तो मैं इसको इसका नाम जो है एडिट करके सिक्स कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा सिक्स हो चुका है। अब अगर रिफ्रेश करें देखिए सिक्स आ रहा है। अब यहाँ पे हमको टेक्स्ट ओवरफ्लो कराना है, तो इसका क्या तात्पर्य होगा, सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे डिव डॉट सिक्स को हैंडल करता हूँ। तो डिव डॉट सिक्स को हैंडल करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ओवरफ्लो यूज करना है। तो ओवरफ्लो में सबसे पहले मुझको यूज करना होगा हिडन। यहाँ पे मैं क्या किया, अब जैसे हिडन करेंगे तो इसके अंदर का मैटर आपका क्या हो गया, बाहर का हट गया, सिर्फ अंदर का मैटर आपका दिख रहा है। नेक्स्ट इसमें दूसरी एक और प्रॉपर्टी यूज करनी होती है हमको, व्हाइट स्पेस। तो यहाँ पे मैंने लगाया व्हाइट स्पेस। अब इस व्हाइट स्पेस में मैंने लिख दिया नो रैप। तो ये हमारा नो रैप हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमको लगाना होगा टेक्स्ट ओवरफ्लो। तो अब मैंने जैसे ही टेक्स्ट ओवरफ्लो लगाया, तो इसकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एक पहली प्रॉपर्टी होती है एलिप्स की, दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी इसमें स्ट्रिंग की, और तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है क्लिप की। तो यहाँ पे मैं अगर एलिप्सिस लगा दूं, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एलिप्सिस, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। अब अगर हम सेव करते हैं और यहाँ से जा करके रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखिए क्या हुआ, आपका ये जो आपका इसमें टेक्स्ट दिख रहा था वो सभी टेक्स्ट सिर्फ एक लाइन में आ गया। इस तरीके से आपका ओवरफ्लो हो रहा दिखा रहा, तो इस तरीके का आपका मैटर शो कर रहा है। चूंकि टेक्स्ट बड़े हैं इसीलिए आपका पूरा एक लाइन में अंदर चला गया है। अगर मैं इस टेक्स्ट को छोटा कर दूं, अर्थात जो हमने टेक्स्ट में लिखा हुआ मैटर है उसको हम कम कर दें, तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर दिया है। अब सेव करते हैं, फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया, इसी में इसकी दूसरी वैल्यू यूज कर सकते हैं क्लिप। तो इसमें तीन वैल्यू लेता है, एक क्लिप होता है, दूसरा आपका एलिप्सिस होता है, और तीसरा आपका स्ट्रिंग होता है। तो ये हमारी ओवरफ्लो से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे समाप्त हो गई हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।